शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः ईकारांत पुलिंग। जिस शब्द के अंत में ई रहेगा ईकारांत पुलिंग शब्द कहलाएगा। कल हम नपुंसकलिंग वाला पढ़ा चुके हैं, पेज नंबर 65 पढ़ा रहे हैं। वाक्य प्रयोग, कवि लिखती, कवि लिखता है, कवि लिखता, दो कवि लिखते हैं, कवयः लिखन्ति, बहुत सारे कवि लिखते हैं। पेज पलटिए, जनाः कवीं नवति, जनाः मतलब लोग सब कवि को नमस्कार करते हैं। जनाः कवि नमन्ति, जना बहुत सारे लोग दो कवि को नमस्कार करते हैं। जनाः कवीन कवीन नमन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे कवि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जनाः कवीन सह उपविशन्ति, बहुत सारे लोग कवि के साथ बैठते हैं। जनाः कविभ्यां सह उपविशति, बहुत सारे लोग दो कवि के साथ बैठते हैं। जना कभी भी स उपविशन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे कवि के साथ बैठते हैं। जना कवये पुष्पानि यच्छन्ति, बहुत सारे लोग कवि को पुष्प देते हैं, क्या देते हैं, पुष्प देते हैं। जना कविभ्यां पुष्पानि यच्छन्ति, बहुत सारे लोग दो कवि को पुष्प देते हैं। जना कविभ्यां पुष्पानि यच्छन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे कवि को पुष्प देते हैं। जना कवे पुस्तकं प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे लोग कवि से पुस्तक प्राप्त करते हैं। जना कविभ्यां पुस्तकं प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे लोग दो कवि से पुस्तक प्राप्त करते हैं। जना कविभ्य पुस्तकं प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे कवि से पुस्तक प्राप्त करते हैं। अब चलिए, जना कवे सम्मानं कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग कवि को सम्मान करते हैं। जना कव्यो सम्मानं कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग दो कवि को सम्मान करते हैं। जना कवीनां सम्मानं कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग कवियों को सम्मान करते हैं। जना कवौ स्नीयन्ति, बहुत सारे लोग कवि से प्रेम करते हैं। जना कव्यो स्नीयन्ति, बहुत सारे लोग दो कवि से प्रेम करते हैं। जना कविषु स्नीयन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे कवि से प्रेम करते हैं। हे कवि देशभक्ति गीतम गायो, हे कवि देशभक्ति गीत गाओ। हे कवि देशम च प्रगति शिखरम नयतम, हे दो कवि देश के प्रगति शिखर पर आप नयतम। हे कवय देशम च उन्नतिम प्रति नयत, हे कवि आप देश की उन्नति के बारे में बैठे हुए हैं। यानी उपरी रंजित पदानी संति तानी कवि शब्दस्य विविध विभक्तेषु संति कवि शब्दस्य अन्ते ई अस्ति। अब देखिए, यह शब्द रूप के माध्यम से आपको वाक्य प्रयोग बताया गया। अब अपना कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए प्रथमा में लिखिए कवि कवि कवयः, एक वचन में हो जाएगा कवि, द्वि वचन में हो जाएगा कवि, उसके बाद हो जाएगा कवयः। द्वितीया निकालिए, लिखिए द्वितीया कवीं कवि कवीं। तृतीया में कविना कविभ्याम कवि भी। चतुर्थी में कवये कविभ्याम कविभ्यः। पंचमी कवे कविभ्याम कविभ्यः। षष्ठी कवे कव्यो कवीनाम। सप्तमी कव्यो कव्यो कवीषु। सप्तमी कवे कवि कवयः। संबोधन कवे कवि कवयः। हे कवि हे कवि हे कवयः, कहने का समझ गए आप। इसको आप लिख के इसको याद करिएगा, पेज पलटिए। इसी तरह ईकारांत पुलिंग शब्द भी होगा। प्रथमा में क्या है, मुनि मुनि मुनयः। द्वितीया मुनि मुनि मुनीन। तृतीया मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः। चतुर्थी मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः। पंचमी मुने मुनिभ्यां मुनिभ्यः। षष्ठी मुने मुन्यो मुनीनाम।
सप्तमी मुन्यो मुन्यो मुनिषु संबोधन, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।